बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रहें और खुश रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल मीठा, जिसमें हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। और फ्रूट कस्टर्ड के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं, हमने लिया है दूध 3 कप, हमने लिया है दूध 3 कप, और दूध के साथ हमने लिया है मैंगो कस्टर्ड 6 खाने के चम्मच, शुगर लिया है 6 खाने के चम्मच। इसके साथ हमने बनाना काट के ले लिया है हस्बे ज़रूरत, जितना हमें चाहिए था। फ्रूट केक हमने लिया है, एक छोटा सा केक था उसे हमने काट लिया है, पीसेस बना लिए हैं। बादाम हमने लिए हैं 8 से 9, और इसके साथ हमने खोपरा लिया है हस्बे ज़रूरत, जितना हमें चाहिए। और सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कस्टर्ड को दूध में ऐड कर लेना है। दो, 3, 4, 5, 6, ये हमने ली है 6 चम्मच। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। देखिए, ताकि इसमें कोई भी गुठली बनी ना हो, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं, फ्रूट कोई भी ले सकते हैं, जो आपके पास फ्लेवर मौजूद हो कस्टर्ड का वो लीजिए। और फ्रूट आप अगर मैंगो कस्टर्ड में मैंगो मिल जाए तो सुभान अल्लाह। और इसमें हम थोड़ा सा मैंगो भी ऐड कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हम अपने चूल्हे की तरफ मूव कर लेंगे और इसको हम बॉयल कर लेंगे। पतीले को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, गर्म हो गया है। इसमें आप हमने ये डाल दे रहे हैं कस्टर्ड और मिल्क, और इसमें हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहना है। जब तक इसमें उबाल आता है हम इसमें हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहेंगे। 6 खाने के चम्मच हमने शुगर ऐड किए इसमें। 5 मिनट चम्मच चलाने के बाद हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क हो गया है। किसी भी बाउल में डालेंगे इसको और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। दस मिनट हमने कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है और 10 मिनट हमने इसे फ्रिज में रख के ठंडा किया है। आप ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा है और जम गया है। अब इस पर हम फ्रूट ऐड कर लेंगे। केक ऐड करेंगे। फ्रूट केक ले लें आप किसी भी कंपनी का। फ्रूट 100 ml की या 100 ml की कोई भी क्रीम आपको जितनी पसंद हो आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी की।
क्रीम ऐड की है हमने, 100 ml की हमने क्रीम ऐड की है। और इसके बाद हम फ्रूट ऐड करेंगे, इस पर खोपरा ऐड करेंगे, खोपरा ऐड करेंगे जितना आपको पसंद है उस हिसाब से। इसमें कुछ बादाम मैंने काट के डाल लिए थे। फ्रूट ऐड करेंगे जो हमारे पास है। मैंगो है हमारे पास, वो ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। सो गाइस, हमारा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार यमी सी रेसिपी है और साथ में जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है, ईद स्पेशल है। आप लोग लाजमी से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।